समाज में किसी का भक्त बनना कोई बुरी बात नहीं, पर अंध भक्त की अवस्था में जीना कोई अच्छी बात भी नहीं। आज की वीडियो में बात कुछ अंध भक्तों की करते हैं और उनको कितना ज्ञान है इसके बारे में बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लोगों से बात की तो उन्हें एक बीजेपी समर्थक मिला। जब अजीत अंजुम उनसे सवाल किए तो आप खुद सुनिए उनका ज्ञान। आपके हिसाब से ये सरकार कैसा काम कर रही है, योगी जी की सरकार? हमारे हिसाब से सही कर रही है। सही कर रही है तो क्या अच्छा कर रही है बताइए? ये तो नहीं था क्या अच्छा कर रही है, लेकिन बुरा अब तक क्या हुआ है? बुरा अब तक क्या हुआ, गलत क्या हुआ है? नहीं, आप बताओ ना। अच्छा, आप अच्छा बताओ, हम नहीं बुरा मैं बोली नहीं रहा, आप बताओ जो बुरा या जो गलत हो रहा है महंगाई से लेकर बेरोजगारी, वही लोगों ने बोला। अब आप कह रहे हो अच्छा काम, तो आप बताओ। सुनो, 1947 से और आज तक ऐसा कोई चांस हुआ कि चीन की सेना अब तक कभी पीछे हटी हो? फिर वो मोदी के सरकार में क्यों हटी? अब से पहले कोई सरकार नहीं थी। और बताओ चलो। चीन की सेना महीनों तक घुस के बैठी भी रही पेंगोंग और बाकी इलाके में, अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं किया, लेकिन चलो आप बताओ। और देश के लिए जितना हथियार लाया गया है, क्या पहले इतना उत्तम हथियार था भारत में? नहीं था। अब इस भक्त का लॉजिक भी सुन लीजिए कि क्यों बीजेपी सरकार देश के लिए जरूरी है। आप पत्रकार के सवाल और जवाब दोनों देखिए। तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। नहीं नहीं, देश के आ गए। देश के आ गए और आप क्या आए कि नहीं आए? वो भी आएंगे, क्योंकि 80% जो कांग्रेस ने नंबर एक का काम गलत कर रखा था, हाँ, वो बीजेपी ने नंबर एक में काम कर दिया। कांग्रेस में कौन सा काम गलत था? कांग्रेस तो हमारे देश की एक साथ देखा जाए तो ऐसा कलंक, अब रुक जाइए, अब ऐसा ऐसा कर दिया है कांग्रेस ने, जिसकी जड़ें हम खोदते रहेंगे इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कांग्रेस ने वो किया है। अच्छा, क्या किया काम? जैसे नेहरू जी की 10 गलतियां हैं। क्या 10 गलतियां बताओ नेहरू जी की? उसमें जैसे एक जैसे चाइना का जो, क्या? जो हिमालय ले गया हमारा। क्या बोला तूने? चाइना हिमालय ले गया? कौन सन में ले गया? 1962 में हिमालय ले गया। मैंने कि अब हिमालय हमारा नहीं है? नहीं नहीं है, क्यों नहीं? उसको ताकत हमारे पास आएगी तो हम उसको दोबारा वापस लेंगे। ललन टॉप के पत्रकार भी उत्तर प्रदेश चुनावों के चलते लोगों से बात कर रहे हैं। इसी दौरान उन्हें बीजेपी समर्थक मिला। जब पत्रकार ने उन्हें महंगाई के बारे में पूछा तो आप ही सुनिए उनका जवाब। नौजवान साथी हमको मिले, उन्होंने पूछा रोजगार के लिए क्या? रोजगार के लिए बताइए, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, रोजगार की बात कर रही, ये बताइए मुझे। रुक जाइए, आपकी आय भी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? आपकी आय बढ़ रही है, बताइए, ये बताइए। वही दूध, मैं मान लीजिए मैं दूध बेचता हूँ, वही दूध पहले 25 रुपए लीटर मिलता था, आज 40 रुपए लीटर दूध बेच रहा हूँ मैं। आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये बताइए आप। कुछ नौजवान साथी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, रोजगार के लिए क्या हुआ मुझे बताइए। रोजगार के लिए बताइए, उत्तर प्रदेश में छोड़िए, आपके जिले की बात कर रहा हूँ, कौशाम्बी इलाहाबाद, यहाँ पर क्या रोजगार के मामले में? मैं कौशाम्बी की बात कर रहा हूँ, कौशाम्बी एक नकल का गढ़ था, पूर्ववर्ती सरकारों ने उसको गढ़ बना दिया। इतने ऐसा मैं रोजगार की व्यवस्थाओं की बात, रोजगार की बात कर रहा हूँ ना, रोजगार की बात कर रहा हूँ, रोजगार पे आ ही रहा हूँ मैं। हाँ, नकल नहीं नहीं नहीं, नकल करवा के इतने गधे पास हो गए बच्चे, फिर नकल। हिंदुस्तान लाइव के पत्रकार ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जनता से उनकी राय जानने के लिए उनसे बात की। वहीं उन्हें एक बीजेपी समर्थक भी मिला और उसने इन दामों को कम बताना शुरू किया। पेट्रोल डीजल के दाम अथाह बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आपको गलत नहीं लगता? ये कसूर है ही नहीं, ईमानदार सरकार है बिल्कुल। अच्छा, कई सरकार ना थी, मतलब कितना भी टैक्स लगा लो, मतलब कुछ भी हो जाए अपनी कलेजा बेचनी पड़े, किडनी बेचनी पड़े। मोदी, अच्छा, मोदी के लिए कलेजा और किडनी भी बेच सकते, सब कुछ है न्यौछावर जनता के लिए। अच्छा, मोदी जनता करके, जनता मोदी के लिए। 200-300 रुपए पेट्रोल डीजल हो जाए कोई फर्क नहीं चलेगा। पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि चाहे 200 हो जाए तो आएगा मोदी, या फिर आपको लगता है मोदी फैक्टर कम हो सकता है? मोदी आएगा, महंगाई कितनी भी बढ़ती जाए मोदी ना रुक रहा किससे भी। अच्छा, क्यों आपको लगता है कि तेल के बढ़ते दाम, क्या माइंड चेंज नहीं कर सकते पब्लिक का? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। भारत एक सोच के पत्रकार ने उत्तर प्रदेश चुनावों के चलते लोगों से बात करते दौरान उन्हें मोदी योगी समर्थक मिला। जब पत्रकार ने उनसे उत्तर प्रदेश के विकास पर सवाल किया तो आप खुद सुनिए उनके जवाब। बीजेपी सरकार के मुझे योगी सरकार के 5 काम बताइए। 5 काम योगी सरकार ने इतना काम किया है? 5 काम मुझे बताइए। 5 काम बताएं। पहले तो आवास, जितने गरीब मजदूर थे केंद्र की बात नहीं करेंगे, हम यूपी गवर्नमेंट की बात करेंगे। जो 5 काम जो जमीन पे आए हो, जमीन पे? हाँ जी, जमीन पे जितना नॉलेज है उतना हम तुमको बताएंगे। कहने ज्यादा नॉलेज तो है नहीं हमको, कहने का मतलब सब लोगों से सुनने यही आता है,
कि योगी सरकार जो है जितना काम बढ़िया किया है इतना कोई बढ़िया किया ही नहीं। नहीं सुने तो आता है, चलो ठीक है, आपको अभी तक क्या दिखा? हमको ये दिखा है कि इन्होंने जो है जितने महिलाओं हैं इनके लिए व्यवस्था बढ़िया किया है, जैसे अस्पताल में है या कैसे भी है उनके समस्या के लिए, जैसे कोई दुर्घटना हो कैसी बात तब भी योगी गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सबसे बढ़िया काम किया। बलात्कार वगैरह तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, ये बलात्कार अभी नहीं हुए। कोई बलात्कार नहीं हुए और गुंडों के लिए वो जो है हमेशा लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, हाथरस में अभी कोई घटना घटित हुई है, मुझे इसके बारे में हवा लगी है, क्या वहाँ कुछ क्या हुआ था कुछ? ये तो नहीं, दूसरे सरकार वाले जो भड़काते हैं भड़काते रहेंगे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप और वीडियोस भी देखिए जिसमें ऐसे ही पत्रकारों के सवालों का क्या जवाब मिला इन भक्तों द्वारा। बताने की स्थिति में नहीं है? नहीं है। अच्छा, फिर भी आरक्षण समझते हैं? रिजर्वेशन नहीं, नहीं। प्लस टू पास है ना आप, हायर सेकेंडरी, रिजर्वेशन नहीं समझते आपके भाषा माने आप? हिंदी नहीं, इंग्लिश है रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन क्या सुना है? ट्रेन में होता है रिजर्वेशन। मोदी है, मोदी मोदी भगवान है भारत का। अच्छा, भगवान है, भगवान वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी, बाप से बड़ा मोदी है जो बाप पैदा किया ना, एक सेकंड चुप रहो, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है। इस वीडियो को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।